टुडेज टॉपिक इज प्रॉब्लम 1.43 डेट इज फ्रॉम ग्रिफिस इलेक्ट्रोडायनेमिक न्यू एडिशन फोर्थ बुक. क्वेश्चन इज फाइंड डाइवर्जेंस और फंक्शन इज गिवन वी इज इक्वल टू 2 प्लस साइन स्क्वेयर फाइव एस यूनिट वेक्टर प्लस एस साइन फाइव कॉस फाइव फाइव यूनिट वेक्टर प्लस 3z यूनिट वेक्टर. अब हमें कैसे पता लगेगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं? तो यहाँ पे एस यूनिट वेक्टर है, फाई है और जी यूनिट वेक्टर है. तो हमारे पास एस फाई और जी यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो डाइवर्जेंस जो होगी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आएगा सिलेंड्रिकल. इसके लिए फॉर्मूला होता है डाइवर्जेंस का, ये भी याद करना है कि 1/s. अगर यहाँ पे 1/s है पार्शियल बाय पार्शियल s, तो यहाँ पे s आएगा वी एस और ये सिंपल 1/s पार्शियल v फाई और यहाँ पे बाय पार्शियल फाई और पार्शियल v z बाय पार्शियल z. अब आगे से कैसे सॉल्व करेंगे? 1/s पार्शियल बाय पार्शियल s. यहाँ पे जो s यूनिट वेक्टर के साथ वाली टर्म है वो वी एस होगा. तो यहाँ पे वी एस की वैल्यू डालेंगे वो इक्वल होगी 2 प्लस साइन स्क्वेयर फाइ प्लस 1/s पार्शियल बाय पार्शियल फाइ और वी फाइ की वैल्यू क्या है? s साइन फाइ कॉस फाइ प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी और वी जी की वैल्यू है 3z. वन बाय एस पार्शियल बाय पार्शियल s अब यहाँ पे एक इसका s अपना था और एक s जो था वो ये वाला भी था, ये पूरी जो था वो वी एस था ना, तो इसका भी एक s आएगा. और जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2s स्क्वेयर प्लस s स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइ प्लस 1/s s और अब पार्शियल. अब मैं जब इसका क्या लूँगी? डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल फाइ और विद रिस्पेक्ट टू इस तरह. तो इसके ऊपर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल. और प्रोडक्ट रूल क्या होगा? पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस, जो पहले एज इट इज, देन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाइ प्लस पहले, अब साइन का क्या हो जाएगा? कॉस फाइ और कॉस फाइ एस इट इज. और यहाँ पे पार्शियल में पार्शियल जी विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव तो 3 आ जाएगा. टू एस स्क्वेयर और जब इसके ऊपर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s. ये जो होगा ये 2 ऐसे ही है, ठीक है, 2 ऐसे ही. और यहाँ पे जब 2 पावर रूल लगेगा इसके ऊपर तो 2s बन जाएगा और ये ख़त्म. तो 2 2s और ये चीज़ भी 2s. मैंने इसको 4 इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं इसमें से 2s कॉमन ले सकूँ. ये 2s साइन स्क्वेयर फाइ प्लस ये कैंसिल. अब ये क्या है? साइन और ये साइन. तो मैं अगर इसको ऐसे पहले इसको लिख दूँ कॉस स्क्वेयर फाइ, देन इसको लिख दूँ माइनस साइन स्क्वेयर फाइ प्लस 3. अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैं डेरिवेटिव जो ले चुकी हूँ, ठीक है, तभी ये चीज़ आई है 2. अब यहाँ से 1/s
मैं 2s को कॉमन ले लूं, पीछे क्या रह जाएगा, 2s को कॉमन लिया, पीछे रह गया 2 प्लस साइन स्क्वेयर फाई प्लस कॉस स्क्वेयर फाई माइनस साइन स्क्वेयर फाई प्लस 3। ये इससे कैंसिल, 2 2 4 प्लस 2 sin² φ है, ये माइनस माइनस 1 है, तो 2 - 1 प्लस साइन स्क्वेयर फाइव ये चीज इक्वल हो जाएगी 1 के, 4 + 1 + 3 ये चीज किसके इक्वल हो गई है, 1 के इज इक्वल्स टू 8। अब मेरे पास डेल डॉट वी जो है वो इक्वल आया है 8 के। उसके बाद है पार्ट बी जिसमें टेस्ट करना डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। और उसके बाद हमने कहा है कि यूजिंग क्वार्टर सिलेंडर जिसकी रेडियस जो है वो 2 है, हाइट उसकी 5 है, जी को हम कहते हैं कि वो हाइट है और एस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस। अगर हम जनरलाइज देखें तो ये वैसे ही हमारे पास क्या है, फिगर, जिसके यहाँ पर भी 2 गिवन है, यहाँ पर भी 2 गिवन है और ये चीज़ हमें 5 गिवन है। तो यहाँ से हमें लिमिट्स जो हैं वो खुद निकालनी है। अगर हम जनरलाइज देखें तो उसमें हमारे पास लिमिट क्या होती थी, एस की, जी की और फाई की, ठीक है। ये अगर हम, ये अभी हम बताएंगे जनरलाइज। एस जो है वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट होती है जनरलाइज। फाई की हमारे पास 0 to 2π और जो हाइट होती है इसकी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारे पास है जनरलाइज फॉर्म। लेकिन अब हमने जो इसकी चेंज भी होती रहती है, जो हमारे पास फिगर पे डिपेंड करता है, जो गिवन कंडीशंस है उन पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, लिमिट्स बनाएंगे। तो इस फिगर को देखते हुए हमारे पास लिमिट्स क्या बन रही हैं, जी की लिमिट जो है वो क्या बन रही है, हाइट जो है वो 5 गिवन है तो 0 to 5। उसके बाद एस की लिमिट क्या है, 0 to 2, ठीक है। लिमिट्स हमने बना ली कि जी हमारे पास क्या है, 5 तक है तो 0 to 5, ठीक है, ओरिजिन से। और फिर हमारे पास एस जो है वो रेडियस है जो कि 0 से 2 तक। अब डाइवर्जेंस थ्योरम हमें पता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम इक्वल होता है डेल क्रॉस वी, ठीक है, डेल डॉट वी डी टाओ इज इक्वल्स टू वी डॉट डी ए। अब डेल डॉट वी के अभी हमने वैल्यू निकाली थी, डाइवर्जेंस निकाली थी ना, तो वो डाइवर्जेंस सिलेंड्रिकल के लिए 8 आया था आंसर ए पार्ट में। तो उसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे 8, और जो यहाँ पे डी टाओ होता है, ठीक है, अभी हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो डी टाओ होता है सिलेंड्रिकल के केस में वो इक्वल होता है एस डी एस डी फाई डी जी, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डी टाओ होता है वो इक्वल होता है डी एल एस डी एल फाई और डी एल जी। जब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे उसमें हमने डिटेल में इसको ड्राइव किया था। अभी हमें इसे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अब 8 जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एस डी एस डी फाई और डी जी लिमिट है इसकी 0 to 5, इसकी 0 to, यहाँ पे जो फाई है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, 90 तक ही वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे 0 to π/2 इसकी लिमिट आएगी, पाई नहीं आ सकती, ये 2π नहीं आ सकती। फिर इसके बाद 0 to 2, 8, 2,
फाइव बाय टू और फाइव। तो डेल डॉट वी डी टाओ की वैल्यू क्या आ गई, 40 पाई। ये चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, वी डॉट डी ए, मीन्स कि हमें सरफेसेस निकालने। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके फेसेस को नेम देंगे। ये टॉप वाला एक नेम, बॉटम वाला एक, जो इसके एक ये और एक ये और एक जो यहाँ बैक पे है, ठीक है। एक क्या होगा, बैक वाला। ये वाला मेरे पास कौन सा है, टॉप वाला, जिसको मैंने वन नेम दिया है, फेज वन। और ये जो यहाँ है, ये चीज़ क्या है, बॉटम, इसको नेम दूंगी टू। और जो बैक पे है वो थ्री। यहाँ पर जो है लेफ्ट पे, ठीक है, वो हो जाएगा फोर। और ये जो यहाँ पे फ्रंट पे है, ठीक है, ये अब एक बैक है तो एक क्या होगा, फ्रंट। और फ्रंट वाला जो होगा वो फाइव। टॉप वाला वन, बॉटम वाला टू, देन उसके बाद बैक थर्ड, लेफ्ट वाला फोर्थ, और जो फ्रंट पे है वो फाइव। फाइव फेसेस होंगे। अब सरफेस वन जो कि टॉप पे है, इस पे जी की वैल्यू फाइव है, तो फॉर सरफेस वन जी इज इक्वल्स टू फाइव। और इसका डी ए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जी यूनिट वेक्टर है तो एस डी एस और डी फाइव आ जाएगा। अब इसका वी डॉट डी ए इज इक्वल टू कौन, जो जी के साथ टर्म थी उसी को लिखेंगे। हमारे पास जो वी फंक्शन गिवन है ना, ये मेरे पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो मैं यहाँ पे जो जी के साथ वाली टर्म है जो कि थ्री जी आ रही है, मैं यहाँ पे लिखूँगी थ्री जी और डी ए की जगह एस डी एस डी फाइव। जी की वैल्यू क्या है, फाइव। तो फाइव इंटू थ्री एस डी एस डी फाइव, ये कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा एस डी एस और यहाँ पे डी फाइव। एस की वैल्यू क्या है, 0 to 2, और फाइव की वैल्यू है 0 to π/2। ये वैल्यू आ जाएगी 15 2, और यहाँ पे आ जाएगी π/2। ये कैंसिल और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15π, जो कि फेज़ वन के लिए होगा। अब सरफेस टू मेरे पास क्या है, जो बिल्कुल बॉटम था, अब ऊपर वाला टॉप है तो उसके ऑपोजिट पे क्या होगा, बॉटम वाला। तो मेरे पास ये वाला कौन सा है, बॉटम वाला। और बॉटम पे मेरे पास जी क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। ये वैसे ही जैसे हम क्यूब के निकालते होते थे, ऑपोजिट वाले साइड पे ज़ीरो हो जाता था। अब जी ज़ीरो होगा तो डी ए क्या हो जाएगा, माइनस जी यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे एस डी एस डी फाइव। तो जब इसका वी डॉट डी ए फाइंड आउट करेंगे, वो माइनस थ्री जी एस डी फाइव। अब जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो कि ज़ीरो है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद है फेस थ्री, जो कि मेरे पास था बैक वाला। अब बैक पे ना थीटा वेरी कर सकता है ना आर, तो इसमें सिर्फ एक है फाई, क्योंकि वो पूरा मूव करता है ना, फाई पूरा इस तरह होल मूव करता है, तो पाई जो होगा वो वेरी करेगा। जब फाई वेरी करेगा, जब फाई वेरी करेगा तो उसके लिए डी ए क्या होगा, डी एस डी जी और फाई यूनिट वेक्टर। अब इसका वी डॉट डी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे,
वी डॉट डी ए। फाइव वाली वैल्यू कौन सी है? ये वाली, तो एस साइन फाइ कोस फाइ और डी एस डी जी। अब इसमें वेरी कर रहा है फाइ, तो थीटा की भी तो कोई वैल्यू होगी। थीटा की वैल्यू क्या थी? पाई बाय टू। तो थीटा की वैल्यू जब हम इसमें पाई बाय टू डालेंगे, और एस की भी वैल्यू है यहाँ पे एस साइन फाइ क्या है? पाई बाय टू। सॉरी, इस पर ये वाली वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इस पर सिंपल लिमिट्स अप्लाई करेंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डी जी की रिस्पेक्ट से करना है, तो जी की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम यहाँ पे फ़ौरन से डाल देंगे, तो हो जाएगा साइन पाई बाय टू और कॉस पाई बाय टू डी जी और डी एस। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ज़ीरो। और ये पूरी टर्म को क्या बना देगी? ज़ीरो। अब सरफेस फोर है, सरफेस फोर जो है वो ऑपोजिट साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे है बैक की, ठीक है? है क्या है? लेफ्ट सरफेस, लेकिन क्या है? ऑपोजिट टू बैक। तो यहाँ पे फाइ की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। और डी ए क्या होगा? माइनस डी एस डी जी और फाइ। अब जब फाइ की वैल्यू ज़ीरो है, तो वी डॉट डी ए माइनस एस साइन फाइ कॉस फाइ डी एस डी जी। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब फ्रंट सरफेस पे एस की वैल्यू जो है वो टू है, और डी ए क्या हो जाएगा? एस डी फाई डी जी और एस यूनिट वेक्टर। और साथ में जो डी फाई है वो वेरी कर रहा है ज़ीरो टू पाई बाय टू, और जो डी जी है वो ज़ीरो टू फाइव। अब इसका हम वी डॉट डी ए वो वाली जो एस के साथ है टर्म, वो वी के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे एस के साथ वाली टर्म एस टू प्लस साइन स्क्वेयर फाइव है, और डी फाइव डी सी। एस की वैल्यू पुट करेंगे, एस का स्क्वेयर हो जाएगा ये, एस का स्क्वेयर, और डायरेक्ट टू का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? फोर। फोर क्या है? कांस्टेंट। उसको मैं बाहर ले लूंगी, अब मेरे पास क्या है? डी ए है। डी ए के लिए कितनी लिमिट्स चाहिए होती हैं? दो लिमिट्स। तो एक लिमिट होगी फाई के लिए और एक लिमिट होगी सी के लिए। फाई के लिए जो लिमिट है वो मेरे पास होगी ज़ीरो टू पाई बाय टू, और जो जी के लिए लिमिट है वो होगी ज़ीरो टू फाइव। अब अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो फोर तो कॉन्स्टेंट था वो बाहर, ज़ीरो टू पाई बाय टू फाई की लिमिट है, तो टू को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये टू और डी फाई के साथ आ जाएगा, और ज़ीरो टू अच्छा। अब ये हमारे पास क्या है? पहले हमने इसको पूरे को लिखा, क्योंकि ये प्लस है ना, तो हम पूरे के साथ लिखेंगे तो इसकी भी लिमिट आएगी। जैसे अब मैं इसको इसके साथ लिखूँगी,
ठीक है, मैंने एक प्लस था तो टू को इसके साथ लिखा, ये टू फाइव के साथ था ना, और फिर इस चीज़ को साइन स्क्वेयर फाइव को डी फाइव के साथ अलग लिख दिया, तो इसके ऊपर भी लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो टू फाइव बाई टू, और उसके बाद ज़ीरो टू फाइव जो है वो डी जी के लिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो अलाइट एंगल की प्रॉपर्टी लगती है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी, और ये फोर टू डी फाइव, और यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी वन माइनस कॉस, ठीक है, वन माइनस कॉस टू फाइव, और यहाँ पे भी टू, साथ डी फाइव आएगा, और उसके बाद ज़ीरो टू फाइव डी जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना, लिमिट्स डालनी है फोर, और ये टू ऐसे ही है, डी फाइव वन का विद रिस्पेक्ट टू फाइव लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव आएगा, और फाइव में जब मैं लिमिट डालूंगी तो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू प्लस वन बाय टू, ठीक है, ये चीज़ क्या थी, ये कॉन्स्टेंट, तो ये वन बाय टू हो गया, और जब कॉस की इंटीग्रेशन की, माइनस कॉस की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये वन बाई टू क्या था, कांस्टेंट, फिर आपने इस चीज़ पे लगानी थी, तो जब इसके इंटीग्रेशन करोगे तो ये इक्वल हो जाएगी माइनस साइन के, तो मैं अगर माइनस साइन को यहाँ डायरेक्ट बाय लिख दूँ तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू फाई डिवाइडेड बाई टू। अभी सिर्फ मैंने क्या लिया, अभी लिमिट्स नहीं डाली, ज़ीरो टू पाई बाई टू उसकी लिमिट, और जी की करेंगे तो जी, और इसकी लिमिट क्या है, ज़ीरो टू फाइव। अब जिनकी लिमिट्स रह गई हैं उनकी लिमिट्स डालेंगे, फोर ये टू टू से कैंसिल, पीछे रह गया पाए, ओके, उसके बाद क्या किया, ये जो फोर, अब जो मेरे पास डी ए था तो मैंने दो लिमिट्स लगा दी, ज़ीरो से फाइव, और डी जी की लिमिट लगानी है ना, तो फाइव की लिमिट क्या थी, ज़ीरो टू पाई बाई टू, और जो जी थी उसकी लिमिट थी ज़ीरो टू फाइव। देन मैंने क्या किया, ये जो फोर कांस्टेंट था इसको बाहर ले लिया, जब मैंने इसको बाहर लिया, अब ये टू प्लस है, ठीक है, ये थीटा के फाइव के साथ है ना, तो एक दफ़ा टू और फाइव को लिखा, और साइन स्क्वेयर और इस फाइव को लिखा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये जो जी रह गया था इसकी लिमिट के साथ इसको अलग से लिख लिया, फिर क्या किया, ये जो फोर था इस फोर ज़ीरो टू, ये सारा कुछ उसी तरह लिखा, जो साइन स्क्वेयर थी फाइव है इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले के मुताबिक, वन माइनस कॉस टू फाइव और डिवाइडेड बाय टू, डी फाइव आ गया, अगेन ज़ीरो टू फाइव, और यहाँ पे डी जी आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगी, फोर क्या मेरे पास कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ठीक है, फोर क्या है कांस्टेंट, ये बाहर रहेगा। अब यहाँ पे टू क्या है मेरे पास, टू कांस्टेंट है, मैं इस टू को बाहर निकाल लूँगी, यहाँ पे जब ये टू बाहर आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा डी फाइव। अब ये जो वन बाई टू है, ये वन बाई टू इधर टू इसके नीचे भी है, वन के नीचे भी है, और इसके नीचे भी है, इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकती हूँ, इसकी वन बाई टू डी फाइव और माइनस वन बाय टू कॉस टू फाइव डी फाइव, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये जो ज़ीरो टू फाइव थी, ज़ीरो टू फाइव डी जी, और इसके लिमिट्स क्या हैं, ज़ीरो टू पाई बाय टू, ज़ीरो टू पाई बाय टू। अब आगे सिंपल इसको और सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे, इसकी इंटीग्रेशन लेके और लिमिट्स पुट कर देनी है। अब ये चीज़ क्या है, फोर ये टू, जब इधर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय टू, माइनस ज़ीरो नहीं लिख रहे मैं, पाई बाय टू प्लस, अब वन बाय टू है, और इसकी इन क्या आएगी, जब इसकी करेंगे तो फाइव आएगी, और फाइव में जब मैं लिमिट डालूँगी तो वो हो जाएगा पाई बाय टू। माइनस वन बाय टू क्या था, कांस्टेंट, ये बाहर, और जब कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगी साइन टू फाइव, और यहाँ पर भी टू, और इसकी लिमिट जब डालेंगे तो ज़ीरो टू फाइव बाई टू, फाइव बाई टू अभी लिमिट डालनी है, और इसका क्या आएगा, जी ज़ीरो टू फाइव लिमिट, फोर, और ये यहाँ आ गया पाए प्लस वन बाई टू फाइव बाई टू माइनस वन बाय टू। अब यहाँ पे इसकी लिमिट डालनी है,
तो जब मैं फाई की लिमिट डालूंगी पाई बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा 90, और साइन 90 क्या होता है 1। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे ये साइन है ना, अब मैं इसको क्या करूँगी साइन 2, और जब मैं लिमिट डालूंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाय टू मीन्स 90। तो साइन ये क्या बन जाएगा साइन 90 इंटू टू 180। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे साइन और साइन 180 क्या होता है 0 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 4 1/4, और ये चीज़ क्या हो जाएगी साइन की जगह, साइन 80 की जगह मैंने लिख दिया 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब सिंपल इसको सिंपलीफाई करना है, ये हो जाएगा 4π, अच्छा 4 × 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 20π प्लस, और ये हो जाएगा इसको कर सकते हैं π × 4 माइनस 1/4, और ये 0। और कैसे, ये 0 वाली तो 0 हो जाएगी ना, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, पीछे रह जाएगा 20। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5π/4, तो 5π/4 4 × 5 हो जाएगा, और ये 5 × 5 25, तो 25π जो है इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल निकाल लेना। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल के लिए इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल टोटल निकालेंगे जो हमने डेल वी डॉट डी ए निकाला है, सरफेस जो 1 निकाली थी ना हमने, उसका सिर्फ आया था 15π प्लस 0 था, फिर 0 आया, फिर 0 आया, और फिर आया 25। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 40π। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आई है 40π, और राइट हैंड साइड जो हमने निकाली है वो भी किसके इक्वल आई है 40π। तो हमारे पास, हमने जो डाइवर्जेंस थ्योरम चेक करना था ना इसके ऊपर, वो हमारे पास वो इक्वल आ गया, वो प्रूफ कर गया। उसके बाद अब इसका करेंगे थर्ड पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास क्या है कि फाइंड करना कर्ल ऑफ वी। अब कर्ल ऑफ वी का भी फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है कि कर्ल ऑफ वी हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब कर्ल है ना, तो पहले इसका लिख लेते हैं और फिर याद करते हैं। डेल क्रॉस वी होगा कर्ल 1/s पार्शियल वी जी बाय पार्शियल फाई माइनस पार्शियल वी फाई पार्शियल जी एस यूनिट वेक्टर। ये किसके लिए, सिलेंड्रिकल के लिए है, स्फेरिकल के लिए नहीं है, ये स्फेरिकल के लिए अलग होगा। पार्शियल वी एस बाय पार्शियल जी माइनस पार्शियल वी जी बाय पार्शियल एस, और यहाँ पे क्या आएगा थीटा यूनिट फाई यूनिट वेक्टर, और इसके बाद प्लस 1/s पार्शियल बाय पार्शियल एस एस वी फाई माइनस पार्शियल वी एस बाय पार्शियल फाई और जी यूनिट वेक्टर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला जो कि याद करना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, हमने डेल क्रॉस वी जो होता है वो कर्ल होता है ना, तो अगर हम निकाल रहे हैं एस यूनिट वेक्टर के लिए, इट मींस कि यहाँ पे जब भी हम पार्शियल के साइन लगाएंगे, जब हम इस तरह से कर्ल निकालते थे तो जिसके साथ एक्सपेंड कर रहे होते थे उस चीज़ को इग्नोर करते थे, बाकी लेते थे। तो इट मींस कि हम एस से निकालें तो एस वाले पूरे को इग्नोर करेंगे, बाकी वी जी और वी फाई आ जाएंगे, ठीक है, बाकी दो टर्म्स आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1/s लिखा, सबसे पहले आएगा ही 1/s पार्शियल, फिर वी जी, और अगर यहाँ पे वी जी है तो यहाँ पे फाई, और यहाँ पे फाई है तो यहाँ पे जी, एस यूनिट वेक्टर आ गया। फिर उसके बाद फाई यूनिट वेक्टर है, इट मींस के अंदर फाई का कोई काम नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल जी है ना, तो पार्शियल बाय पार्शियल या जो जिससे इस तरह से ख़त्म किया उसी से शुरू, तो पार्शियल बाय पार्शियल जी, और यहाँ पर आ जाएगा वी एस माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एस, और यहाँ पर वी जी। अब यहाँ से शुरू भी किससे करेंगे, इससे, पहले 1/s था फिर नहीं था, फिर दोबारा 1/s आया, अब पार्शियल बाय इससे ख़त्म किया था तो पार्शियल बाय पार्शियल s से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे अगर s है तो यहाँ पे क्या होगा फाई, और माइनस पार्शियल बाय पार्शियल क्या हो जाएगा फाई, क्योंकि यहाँ पे z है, z नहीं आना चाहिए, फाई और s आएंगे, बाकी तो वही बचते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये पार्शियल बाय पार्शियल फाई है तो यहाँ पे आ जाएगा वी एस।
नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू गिवन थी वी की, मैंने वो लिखी है। अब इस वी की वैल्यू से हम जो हमने अभी डेल क्रॉस वी फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखा है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि ये चीज़ क्या हो जाएगी वी एस, ये वाली वी फाई और ये हो जाएगी वी जी। तो जहाँ पे वी एस, वी फाई और वी जी लिखा था वहाँ पे इनकी क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल क्रॉस वी पुट करने के बाद वन बाय एस पार्शल बाय पार्शल फाई, यहाँ पे क्या था अगर फाई है तो वी जी, तो थ्री जी माइनस पार्शल बाय पार्शल फाइ और एक चीज़ क्या होगी जी। एस है तो एस की रिस्पेक्ट है तो एस नहीं आएगा ना इसमें, ये भी हमने याद किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या होगा वी फाइ, तो यहाँ पे हम वी फाइ की वैल्यू डाल देंगे एस साइन फाइ कॉज फाइ, एस यूनिट वेक्टर, उसके बाद प्लस अब फाई है तो पार्शियल बाय जी से ख़त्म किया था तो जी से ही क्या होगा अगला नेक्स्ट हमारा शुरू होगा और जी और एस फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। पार्शियल बाय पार्शियल जी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एस, यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे कौन सी वाली एस वाली, तो एस टू प्लस साइन स्क्वेयर फाई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एस, और यहाँ पे s है तो यहाँ पे कौन सी वाली टर्म आएगी z की जो कि है 3z, और इसके साथ कौन सा आएगा फाई यूनिट वेक्टर, फाई के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर रहे हैं। अब रह गया है लास्ट प्लस वन बाय s पार्शियल बाय पार्शियल s। अब इसमें हमारे पास ना एक x जो था s जो था वो आता है इस फॉर्मूले में था, s था फिर उसके बाद एस साइन थीटा, एस है तो फाई वाली वैल्यू अब डालेंगे कॉज फाई, फिर उसके बाद माइनस पार्शियल बाय पार्शियल फाई और यहाँ पे क्या आ जाएगी एस की वैल्यू। यहाँ पे ये एस जो है फॉर्मूले में याद रखना है टू प्लस साइन स्क्वेयर फाई और जी यूनिट वेक्टर। आगे सिंपल क्या करना है इसकी, अब देखो पार्शियल बाय पार्शियल फाई है, यहाँ पे फाई का कोई फैक्टर नहीं है, इट मींस कि वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अब यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट से लेना, यहाँ पे भी जी की कोई नहीं है, ये सारी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो। अब जब इसका पूरी का क्या आया है जीरो आया ना, तो यहाँ पे क्या है वन बाय एस, और जब ये जीरो से होगा तो ये चीज़ भी क्या बन जाएगी जीरो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रही हूँ कि इस पूरे का क्या आया है जीरो, एस यूनिट वेक्टर क्या आया है जीरो प्लस, अब उसके बाद अब इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं z। तो जब विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ भी क्या हो गई है ज़ीरो हो गई है। यहाँ पर भी s है, यहाँ पे भी कोई s की नहीं है, तो इट मींस कि ये वाली टर्म भी पूरी क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो मेरे पास जो ये भी क्या हो गया, जो फाइव यूनिट वेक्टर था ये भी क्या आ गया है ज़ीरो। अब इस चीज़ को करेंगे, अब इसका लेना है s की रिस्पेक्ट से, जब s की रिस्पेक्ट से लेंगे तो इसमें तो s वाली टर्म्स है ना, तो इसका लिया जाएगा। अब इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 बाय s एज इट इज़, जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल s का इस पूरी के साथ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी s स्क्वेयर, ठीक है, ये चीज़ क्या थी s स्क्वेयर। अब हमारे पास s स्क्वेयर साइन फाई कोस फाई का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा 2s साइन फाई कोस फाई, और उसके बाद ठीक है वैसे एस के रिस्पेक्ट से लेना था तो इतना ही होता है, पावर रूल लगा और आ गया। अब उसके बाद इस चीज़ का क्या लेना है विद रिस्पेक्ट टू फाई लेना है, तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू फाई लेंगे तो ये वाली तो क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो ये वाली ज़ीरो हो गई माइनस, और इसका लेंगे तो टू टू साइन फाई, ठीक है। अब ये s इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई, इसके साथ हुआ तो क्या हो गया 2s, और इसके साथ हुआ तो s साइन स्क्वेयर फाई, तो जब इसके साथ हुआ तो ये 2 साइन फाई और s भी आएगा, ठीक है। अगेन विद रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें इसका लेंगे साइन का तो क्या हो जाएगा कोस फाई, तो हमारे पास 2s साइन फाई कोस फाई वैल्यू आ गई। अब 2s साइन फाई कोस फाई ये दोनों क्या हो रहे हैं कैंसिल, और मेरे पास पीछे रह गया वन बाय एस, ये सारी टर्म ज़ीरो हैं, तो इट मींस के डेल क्रॉस वी क्या आया है ज़ीरो।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.